हमारी आज की रेसिपी है तवा फ्राई चिकन, या इसे आप तवा चिकन भी बोल सकते हैं या तंदूरी चिकन बोल सकते हैं, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से कम मसालों के साथ में तवे पर बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। बिना तंदूर के भी तंदूरी फ्लेवर आती है इससे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड जोन। सबसे पहले हमने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच काफ़ी है। यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच दही। दही जितनी गाढ़ी होगी उतनी अच्छी है। हल्दी थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून काफ़ी है। चिकन मसाला 1 चम्मच थोड़ी सी, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मार्केट वाली लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये एक अच्छा सा कलर देगी। नमक स्वाद के अनुसार, लगभग मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ी सी कम ली है। 1 चम्मच सिरका, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, यदि आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कच्ची सरसों का तेल यूज़ किया है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, और इन सबको अच्छी तरह से मैरिनेट करके साइड रख देंगे। सभी मसाले और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे कि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो सारे चिकन में अच्छी तरह से कोट हो जाए। उसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अलग। इससे चिकन थोड़ी सी नरम भी हो जाती है, अगर आप फ्रिज में रख सकते हैं तो और बेहतर है। चिकन इससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है जब बनाते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती पकने में और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तकरीबन इसे रखे हुए 2 घंटे हो गई है। अब हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लें। आप इसे इसी तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं, जब बनानी हो तो उससे पहले फ्रिज से निकाल लें, उसके बाद इसे आप बना सकते हैं। अब हम चलते से बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉनस्टिक फ्राई पैन। अगर आपके पास में भारी तले वाली तवा है ना, लोहे वाली, वो आप ले सकते हैं। उसमें सारे चिकन के टुकड़े को इस तरह से रख देंगे, बचे हुए मसाले को भी ऊपर से डाल देंगे। जब चिकन फ्राई होगी तो ये सारे मसाले उसी के साथ में फ्राई हो जाएंगे। अब इस चिकन वाले पैन को हम गैस पर चढ़ा देंगे। इस टाइम पे स्टार्टिंग में गैस के आंच को हम हाई पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम आंच को कम कर देंगे और इस चिकन को हम एक ढक्कन से ढक देंगे। आपके पास जो भी ढक्कन हो उससे आप ढक दें और धीरे धीरे उसे पकने दें। चिकन को पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेगी। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप आंच को थोड़ा सा मीडियम टू हाई ही रखें, जैसे कि क्योंकि हमने चिकन को फ्रिज में रखा था तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो आंच को तेज रखें जिससे कि ये जल्दी हीट हो जाए। उसके बाद फिर आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे, जिससे चिकन अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। बीच बीच में आप एक बार इसे ढक्कन हटा कर देख लें, कहीं मसाले नीचे से जल ना जाए। अब हमने आंच को मीडियम टू लो कर दिया है और देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दी है। इसी पानी से चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी और उसे फिर से ढक कर पकने दें अच्छी तरह से। देख सकते हैं पानी बहुत हद तक सूख चुकी है। फिर से हम इसे एक बार ढक देंगे और 2-3 मिनट के बाद फिर से एक बार हटा कर देख लेंगे। अब एक बार इसे हम चला लेंगे ताकि नीचे देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुन गई है। अगर अभी हम नहीं चलाएंगे तो नीचे से मसाले जल जाएंगे, इसीलिए बीच बीच में अब इसे ज़रूरी है कि हर 2 से 3 मिनट में एक बार चेक करके चला लें ताकि चिकन चारों तरफ से पक जाए। देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से पक गई है, थोड़ी सी और पकेगी। यहाँ पर देखिए चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे आंच को बिल्कुल स्लो रखें। अब इसे सिर्फ हल्के से इसमें सौंधापन लाने के लिए हमें चिकन को भुननी है, जिससे मसाले और थोड़े से अच्छी तरह से पक जाए और चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। अगर अभी आप आंच को तेज कर देंगे तो चिकन बिल्कुल जल जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और बीच बीच में चलाते रहे। देख सकते हैं नीचे मसाले थोड़ी सी और उसकी कलर चेंज हो गई है। एक बार इसे हम फिर से चला देंगे, चिकन एक साइड से अच्छी तरह से पक गई है, अभी उलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से ना बिल्कुल आपको वो तंदूरी वाली चिकन की टेस्ट आती है अगर आप इस तरीके से पकाते हैं। एक तो ये चिकन अच्छी तरह से पक भी जाती है अंदर तक, और जो तंदूरी वाली फ्लेवर आती है वो भी आ जाएगी। देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जस्ट चिकन को हल्का सा रोस्ट होना बाकी है, तो हम इस प्रोसेस को बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, आँच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, नहीं तो चिकन रोस्ट होने की बजाय जल जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
कभी भी आप तवा फ्राई चिकन बनाने के लिए पतले वाले तवे का या पैन का यूज़ ना करें, उससे चिकन जल जाएगी, वो पकेगी भी नहीं और स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बना लीजिए, या तो फिर मोटे तले वाले जो लोहे की तवा आती है ना, आप उसमें बनाइए, उसमें इसका स्वाद और ज़्यादा गजब का आता है। मेरे पास मोटे तले वाली तवा नहीं थी, इसलिए मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। इसमें देख सकते हैं चिकन ज़्यादा जलती भी नहीं है, चिपकती नहीं है, जिस तरीके से मुझे चाहिए बिल्कुल वैसे परफेक्ट बनकर तैयार हो रही है। चिकन एक साइड से अच्छी तरह से भुन गई है, अब जस्ट दूसरी साइड हल्का सा ऐसे रोस्ट करनी है। उसके बाद हमारी तवा फ्राई चिकन यानी कि तंदूरी चिकन बनकर तैयार है। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। पहले से दूसरे साइड में थोड़ी सी पक जाने देते हैं। अब ऊपर से हम थोड़े से बटर डाल देंगे, क्योंकि चिकन पूरी तरह से पक चुकी है। अब ये लास्ट टाइम जो हल्के से नीचे में रोस्ट होनी बाकी है, इस टाइम पे आप थोड़ी सी बटर डाल दें। बटर डालने से तवा फ्राई चिकन का स्वाद और बढ़ जाता है। देख सकते हैं बटर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से चला देंगे, जिससे बटर सारे चिकन में मिल जाए। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे हम एक ट्रे या प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे, और ऊपर से अगर आप नींबू का रस छिड़कना चाहते हैं छिड़क सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। और ऊपर में प्याज के लच्छे इस तरह से लगा दें, जो देखने में अच्छी लगती है, और तंदूरी चिकन के साथ में ये प्याज के स्लाइस ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यदि आप कच्चा प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ऊपर से हमने थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती छिड़क दी है। इसके साथ आप अगर चटनी बनाना चाहते हैं तो हरी धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और दही डालकर चटनी बना ले, वो बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।